सो वेल गाइज, म्यूज़िक इंडस्ट्री में हम ये बात बार बार कहते हैं कि इंडिया में म्यूज़िक को सुना नहीं जाता है, देखा जाता है। और इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न है किसी भी सॉन्ग का म्यूज़िक वीडियो। इंडिया में जो भी गाने बनते हैं, कहीं ना कहीं उनमें म्यूज़िक वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करता है। और एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ये समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आपको कब अपने सॉन्ग पर इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूज़िक वीडियो पर इन्वेस्ट करना चाहिए, और किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपके पास क्या क्या ऑप्शन है जब भी आपको म्यूज़िक वीडियो में इन्वेस्ट करने की बात आती है, और वो कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले आपको बहुत केयरफुली सोचना है। तो आज हम बात करने वाले हैं म्यूज़िक वीडियोस के बारे में और इनके ऊपर लगने वाली इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे कि म्यूज़िक वीडियोस की नॉर्मल कॉस्ट इंडिया में क्या होती है। इट्स योर बॉय सुल्तान, यू आर वॉचिंग नो हिप हॉप, सो लेट्स स्टार्ट रोलिंग विद दिस वन। सो वेल गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आपके पास क्या ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट करने के, और इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप किसी लेबल के साथ एसोसिएटेड है उस टाइम आपके पास क्या ऑप्शन होंगे अपने म्यूज़िक वीडियो में इन्वेस्ट करने के। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो यहाँ पर मैं आपको देना चाहूँगा वो बहुत ही क्लियर है, कंटेम्प्रेरी टाइम में क्या चल रहा है, आजकल के ट्रेंड के हिसाब से क्या चल रहा है, कि आर्टिस्ट को सबसे पहले अपना फोकस रखना चाहिए अपनी ऑडियो को स्ट्रांग करने में, अपने ऑडियो को अच्छे से प्रमोट करने में। आपने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग सुने होंगे जो पहले ऑडियो में ही प्रमोट हुए, ऑडियो में ही पहले वो वायरल हुए, और उसके बाद उनकी ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियोज़ कई महीनों के बाद बनाई गई। चांद बालिया अगर सॉन्ग आपने सुना हो तो आपने देखा होगा कि उसके साथ भी यही हुआ। बैड गाय जो कि एक हिप हॉप सॉन्ग है, उसके साथ भी यही हुआ। और शुभ का तो हम सबको ही पता है कि शुभ ने सबसे पहले अपने सॉन्ग्स की ऑडियो लॉन्च की, उनको काफ़ी अच्छे से प्रमोट किया, स्ट्रॉन्ग ऑडियो थी जिसकी वजह से जल्दी वायरल हुई और बाद में फिर उनके म्यूज़िक वीडियोज़ बने। ए पी डिलो ने अपनी ई पी में ये साबित किया, ये प्रूफ किया कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑडियो ही आपके सॉन्ग को बड़े नंबर्स लेकर आने के लिए सफिशियंट होता है। और उसके बाद कई बार होता है कि लेबल्स को आपके सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं और लेबल्स जाके उसमें इन्वेस्ट करता है और ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो उन सॉन्ग्स की रेडी की जाती है। गाइस, इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है जहां पर आप किसी लेबल के पास साइंड है, 360 डिग्री साइंड है, वहां पर लेबल आपकी म्यूज़िक वीडियो के ऊपर होने वाली हर एक कॉस्ट को इनकर करता है। सारा का सारा खर्चा जो होता है वो लेबल करता है आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए। और तीसरी सिचुएशन वो सिचुएशन हो सकती है जहां पर कि आपका सॉन्ग लेबल को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है, आपका ऑडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है और आपका पूरा पैकेज लेबल आपको बनाकर देता है जिसमें कि लेबल विल बी इंटरेस्टेड इन पेइंग फॉर योर ऑडियो एंड द म्यूज़िक वीडियो प्रोडक्शन। यहाँ पर भी अगेन लेबल आपको पे करता है अपनी ऑडियो कंप्लीट करने के लिए, अपनी वीडियो कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये होता है कि एक आर्टिस्ट खुद से एक बेहतरीन सॉन्ग को रेडी करता है, एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की म्यूज़िक वीडियो को रेडी करता है और उसके बाद लेबल को अप्रोच करता है, और इन केस अगर किसी लेबल को पसंद आ जाती है तो फिर उस आर्टिस्ट को लेबल पे करता है वो कॉस्ट जो कि उस आर्टिस्ट ने अपनी ऑडियो प्रोडक्शन और अपनी वीडियो प्रोडक्शन में इनकर की है, इन्वेस्ट की है। सो वेल गाइज, अब बात कर लेते हैं कि कॉस्ट आखिरकार कितनी होती है किसी भी म्यूज़िक वीडियो की। वो म्यूज़िक वीडियो जो किसी बड़े लेबल से आ रहे हैं जैसे कि यूनिवर्सल, जैसे कि टी सीरीज, सारेगामा, जी, ऐसे लेबल्स कितना इन्वेस्ट करते हैं किसी भी सॉन्ग के लिए। तो गाइज, सबसे पहले आपको शायद ये लगता होगा कि यहाँ पर आर्टिस्ट के प्रोफाइल के हिसाब से कॉस्ट इनकर की जाती है, आर्टिस्ट के प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो मैं आपको एक छोटे से कुछ यहाँ पर एग्जांपल देना चाहता हूँ जिससे ये एक्सेप्शनली या प्रूफ कर सकते हैं कि आर्टिस्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले आउट नहीं करता है। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि बादशाह के कुछ सॉन्ग्स ऐसे भी हैं जो ज़ीरो कॉस्ट में बने हैं, ज़ीरो वीडियो प्रोडक्शन कॉस्ट में ही बने, और वहीं पर ही सॉन्ग लाइक मर्सी ऐसे भी सॉन्ग हैं जिनके ऊपर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं। ओ टू स्टूडियो लंदन जाना और वहाँ पर शूट करना, इसके अलावा बोइंग जेट के ऊपर शूट करना, लॉरेन गॉटलिएब जैसी उसमें फीमेल करेक्टर को लेकर आना, फीमेल लीड को लेकर आना, और पैरेलली बेन पीटर जैसे वर्ल्ड रिनाउंड डायरेक्टर के साथ जब आप शूट करते हो तो 100% आपकी कॉस्ट उस लेवल तक जाती ही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आर्टिस्ट के प्रोफाइल मैटर करते हैं बट एक्सेप्शन वहाँ पर भी होती है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट बेहतरीन एग्जाम्पल आपके लिए है वो है जंगली शेर, जो कि डिवाइन का सॉन्ग था और इसका जो म्यूज़िक वीडियो था वो शूट किया गया था iPhone 6s पे, 43 डिफरेंट लोकेशंस पे शूट किया गया था, और ये इंडिया का पहला ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो था जो कि iPhone 6s पे शूट किया गया था। गोरिल्ला स्टाइल शूट किया गया था क्योंकि 43 डिफरेंट लोकेशंस पे जाके इस सॉन्ग को शूट करना था और प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ, लाइटिंग के साथ, बड़े बड़े कैमरा गियर्स के साथ वो करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए
आर्टिस्ट ने यहाँ पर ऑप्ट किया कि वो गोरिल्ला स्टाइल शूटिंग करेंगे, एक हैंडी डिवाइस के साथ, आईफोन 6s के साथ वो शूट करेंगे और रिजल्ट आपके सामने, वो गाना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और उसका म्यूजिक वीडियो आज तक हम सबका फेवरेट है। सो यस गाइज, अब बात कर लेते हैं एक्चुअल कॉस्ट की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले आउट करता है यहाँ पर वो होता है डायरेक्टर की कॉस्ट और जो वीडियो में फीचरिंग स्टार कास्ट है, जो वीडियो में कास्टिंग है उसकी कॉस्ट। इंडिया के जो सबसे बड़े डायरेक्टर से, चाहे आप बात करें डायरेक्टर गिफ्टी की, अरविंदर खेरा की, या फिर और ऐसे बेहतरीन डायरेक्टर जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, नॉर्मली किसी भी सॉन्ग के लिए जब काम करने बैठते हैं तो इनकी कॉस्ट नॉर्मली 60 लाख ऑनवर्ड ही होती है, जिसमें कि इनकी खुद की डायरेक्टर फीस भी इंक्लूडेड होती है। और इमेजिन कीजिए कि अगर आप बॉलीवुड की किसी बड़ी सुपरस्टार जैसे जैकलिन फर्नांडिस को लेकर आ रहे हैं अपने ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो के अंदर, तो वो एक अलग से कॉस्ट होती है जो नॉर्मली वेरी करती है बिटवीन 25 लाख टू 60 लाख रुपीज़। अगेन जाती है आपके म्यूजिक वीडियो टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसके अंदर, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की जो कॉस्ट हो जाती है, जो म्यूजिक वीडियो की ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाती है, वो इजीली 1 करोड़ को टच कर सकती है। इसके अलावा गाइस, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं आपके लोकेशंस। आप इंडिया में शूट कर रहे हो, अब्रॉड में शूट कर रहे हो, ऑटोमेटिकली अगर आप अब्रॉड में शूट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको हर एक चीज़ के लिए ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। एक्सेप्शन है इसमें आर्मेनिया और जॉर्जिया जैसी कंट्रीज़, जहाँ पर कि आपको लाइन प्रोडक्शन जो होती है, जो कॉस्टिंग होती है, वो बहुत कम पड़ने वाली है। वहाँ की जो लेबर कॉस्ट है इकोनॉमी की वजह से वो बहुत कम है। वहाँ पे जो आप हायर करते हैं इक्विपमेंट्स वो बहुत कम है और लोकेशंस वहाँ पे गवर्नमेंट आपको फ्री में यूज़ करने के लिए देती है, लाइसेंस करके देती है, आपको उसके NOCs देती है, जिसकी वजह से ये कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है इनडोर और आउटडोर। अगर आप इनडोर सेटअप पर शूट कर रहे हैं तो ईजिली वो आपको थोड़ा कम बजट में पड़ता है, और आउटडोर क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, फ्रॉम द लोकेशन परमिशन, फ्रॉम द पुलिस परमिशन, ये सारी परमिशंस के अलावा आपको क्रू वहाँ पे लगता है, लाइटिंग आपको लगती है, जिसकी वजह से वो कॉस्ट बढ़ जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है यहाँ पर आपके कैमरा गियर्स। आप किस कैमरा पर शूट कर रहे हैं? आप एक नॉर्मल DSLR पर शूट कर रहे हैं, आप सोनी पर शूट कर रहे हैं, आप कैनन पर शूट कर रहे हैं, या फिर आप रेड ड्रैगन, अलेक्सा आरी जैसे कैमरा पे शूट कर रहे हैं, लेंसेज आप कौन से यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो डिपेंड करता है। इसके अलावा आप लाइटिंग कैसी यूज़ कर रहे हैं, कितनी लाइटिंग यूज़ कर रहे हैं, ये अगेन आपके लिए बहुत बड़ा एक प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है। क्रू आप कैसा यूज़ कर रहे हैं, कितना क्रू होगा, कितने लोग होंगे क्रू में, स्टाइलिंग क्या होगी, क्लोदिंग क्या होगी, ये सारी चीज़ें मिलाकर प्रॉप्स क्या होंगे, आपकी ओवरऑल जो वीडियो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसको कहीं ना कहीं ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। तो आपको हमेशा इन सारे फैक्टर्स का, इन सारे डिपार्टमेंट्स का बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी म्यूज़िक वीडियो के लिए वो होती है उसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? 2-3 साल पहले आप जाकर देखोगे तो लोग गाने से पहले उसके म्यूज़िक वीडियो का वेट करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसेप्ट ड्रिवन म्यूज़िक वीडियोस इंडस्ट्री में आ रहे थे, स्पेशली फ्रॉम नॉर्थ साइड ऑफ द कंट्री, पंजाब साइड से, दिल्ली साइड से, हिप हॉप साइड से, जितने भी म्यूज़िक वीडियोस आ रहे थे उसमें काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिल रहे थे। बट पिछले 2 साल से ट्रेंड काफ़ी चेंज हो चुके हैं, आर्टिस्ट, लेबल्स, इंडस्ट्री ज़्यादा फोकस कर रही है बेहतरीन ऑडियो पे, और कम बजट में बनने वाले म्यूज़िक वीडियो भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जितने कि वो वीडियो जिनके ऊपर कि आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो यस गाइस, कहीं ना कहीं ये बैलेंस आपको रखना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, फाइनली मैं आपको टिप ये देना चाहूँगा कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास एक सर्टेन, एक लिमिटेड बजट होगा। अगर आप किसी लेबल के साथ भी काम कर रहे हैं, लेबल भी आपको एक रिस्ट्रिक्टेड बजट देगा, एक लिमिटेड बजट देगा, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि क्या आपको पूरा बजट एक सॉन्ग पर लगाना है, या फिर अगर आपके पास एक EP रेडी है जिसमें 3-4 गाने हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बजट है अपने म्यूज़िक वीडियो का 1 लाख रुपये, तो आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन आ सकते हैं, 3 ऑप्शन आ सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है बाय डिफ़ॉल्ट कि आप सबसे बेस्ट जो आपको सॉन्ग लग रहा है, सबसे प्रॉमिसिंग सॉन्ग लग रहा है, आप उसके ऊपर पूरा का पूरा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें और उसका म्यूजिक वीडियो बनाएं, उसे लॉन्च करें। सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि आप 4 गाने या 5 गानों की EP में से जो सबसे बेस्ट 2 गाने आपको लग रहे हैं उन दोनों पे 50-50% डिवाइड कर ले, 50-50 हज़ार की 2 बहुत ही अच्छी कंसेप्चुलाइज म्यूजिक वीडियोज़ बनाएं, उनको लॉन्च करें। और बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि आप अपने चारों ही गानों की 25-25 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट के साथ म्यूजिक वीडियो बनाएं, चारों गाने लॉन्च करें और देखें कि आर्टिस्ट को किस तरफ से किस और देखें कि आपकी ऑडियंस किस सॉन्ग को ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है। उनके पास अब ऑप्शंस हैं, उनके पास अब वैरायटीज़ हैं, उनके पास अब चॉइसेस हैं कि हर एक सॉन्ग के साथ वो उसका एक ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो भी देख सकती है। आप जो स्टोरी टेलिंग करना चाहते हैं वो आप अपने ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो के थ्रू ईजिली कन्वे कर पाएंगे, और हो सकता है कि उनमें से 1 या 2 गाने ऐसे होंगे जो फ्लाई करेंगे और ईजिली
आपको रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप करना चाहते हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने उस प्रोडक्ट से, अपनी उस ईपी, अपने उस पर्टिकुलर सॉन्ग से। आई एम श्योर कि आपको ये सारी टिप्स ज़रूर हेल्प करने वाली हैं आपके खुद के म्यूज़िकल करियर में। जब भी आप अपने म्यूज़िक वीडियो के ऊपर काम करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये सारे टिप्स को फॉलो कीजिए, किसी एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उसको भी इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। और गाइज, इसके अलावा कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, क्वेरी, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू रिप्लाई टू दोज क्वेरीज। यस गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे एपिसोड। इट्स योर बॉय सुल्तान साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नो हिप हॉप। टिल द लॉट्स ऑफ लव एंड पीस।